तो ये जो अमाउंट है ये वाली, इस वक्त आपके पास ये वाली अमाउंट है, और आपने जो बोरो किया था वो किया था न्यूजीलैंड डॉलर में, वो ये बनती है अब जो आपने वापस करनी है, और ये अमाउंट जो आपने आपके पास है इस वक्त हाथ के अंदर। तो अब मुझे बताओ, मैंने कहा था डॉलर में कन्वर्ट करना है, लास्ट स्टेप क्या है? डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये ऑलरेडी डॉलर में, अब आपने इसको डॉलर में कन्वर्ट करना जो आपने देनी है। मुझे बताओ, जो 625 था उस पहले न्यूमेरिकल में, आस्क रिपीट वाले में, उसको हमने जब डॉलर में कन्वर्ट किया था क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, याद है? तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है जो अब प्राइस है क्या ये वाली इससे। तो ये जब आप करोगे तो वो आपके पास आएगा, देखते हैं क्या आता है। वो जो आपके पास अमाउंट आएगी ना वो ये वाली आएगी, 19,311,360। ये देखो, ये मैंने करके दिखाया, तो ये वो आ जाएगी। अब ये डॉलर आ गए, अब ये डॉलर और वो जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं ये वाले डॉलर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, वो ये है। अच्छा, अब ये तो मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को ये बुक वाला समझा दिया, ये आपने प्रोसेस खुद याद रखना है कि जौन सी करेंसी लेनी है, डिवाइड मल्टीप्लाई। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको सही तरह बताऊँ, और मैंने आपको बताया भी है डिवाइड कैसे करना है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल खुद से बना के जो है ना वो दूंगा। मेरी ये कोशिश बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को डराऊं, मेरी ये कोशिश है कि अगर कोई सर का, क्योंकि पता नहीं चलता किस वक्त मूड चेंज हो जाए और उनके स्टॉक के शेयर जो है वो गिर जाएँ और उन जो है न्यूमेरिकल जो है वो चेंज कर दें, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तानी करेंसी वाला भी एक न्यूमेरिकल खुद से बना के जो है वो बता दूँगा। वो देख लो, ठीक है, कि उसमें आपने कैसे आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी है। कोई मुश्किल नहीं होगी, सेम वैसे ही होगा, लेकिन एक दफ़ा मैं करके दिखा दूँगा।